बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इब्राहिम मसात उर्फ मलिक, काशिफ साहब और तहमाश भाई पाकिस्तान के सातवें बड़े शहर और एशिया के बहुत पुराने शहर मुल्तान जा रहे हैं, औलिया का शहर। हमारा एक काम है वहाँ पर और थोड़ा सा मुल्तान घूमेंगे भी सही, देखते हैं कि हम लोग वापस आते हैं या आगे। कैमरा का मुंह तो है, कैमरा आपसे कुछ सुनना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा जुमा पड़ी आंदे वे नहीं हर विलाग की चाह नहीं हां तैयारी आके आकना नहीं पोंदा जुमे दी तैयारी करे। हां ए पिछू वाले हाज साहब साहबान तो तारफ करो ग्रुप दे लीडर साहब काशिफ नवीद साहब जी मलका दे वट के बैठे पिछू। हां एक काशिफ साहब बैठे सादे और ये हम आज लेके जा रहे हैं मुल्तान। आज मुल्तान जा रहे हैं तो बेटा मेरा उधर है तो चूंकि ठंड थी मैंने कहा मैं तो बाइक पे आ जा सकता हूँ लेकिन उसको बाइक पे लाना जो है थोड़ा इशू होगा। तो फिर हमने कहा इमरान कबीर भाई से रिक्वेस्ट की कि यार आप गाड़ी निकालें तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर सब दोस्तों इब्राहिम भाई भी आ गए, तहमाश भाई भी आ गए तो अब मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। सुबह सवेरे तो बहुत ज़्यादा धूंध थी लेकिन अब मौसम क्लियर है, थोड़ी थोड़ी धूप जो है वो निकल रही है तो जाएंगे मुल्तान, बेटे को लूँगा और फिर फौरन जो है हम वापसी करेंगे। हाँ वहाँ पे अगर कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी आपको इस इलाक में नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम फ़िलहाल इमरान जबील साहब पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे वो ले जाएंगे जैसे वो ले आएंगे। आप ले जाएंगे इस वक्त, मैं ड्राइवर हूँ सिर्फ। हमने तो घर जाना है और खाना खाना है और बच्चे को लेना है और फिर वापस आना है। आज काशिफ नवीद की रोटी भी है ना मुल्तान में दे रहे हैं। हाँ मुल्तान में दे रहे हैं, मैं इन्होंने में देनी थी खाना मैंने देना था तो मैंने कहा चले मुल्तान में चलते हैं वहाँ पे मैं आपको खिला देता हूँ। अगर आप खाने वाले व्लॉग्स देख रहे हो वीकली गैदरिंग्स के नाम से वो लिस्ट है एक, तो हर एक खाने के एंड पे एक तोता एक फॉल निकालता है तो जो नेक्स्ट लकी होता है उस पर खाना आता है। आपको तीन बंदे रह गए जिनमें काशिफ साहब का नाम था तो आज ये हमें वहाँ पे खाना दे रहे हैं, आपको शायद नजर ना आ रहा हो तो देखते हैं। सर ये जो खाना है ये मेन्यू हमारी तरफ से होगा कि आपकी तरफ नहीं, से? नहीं मेन्यू मेरी तरफ से होगा। अच्छा और जगह भी मेरी तरफ से है मोटा। ठीक ठीक बाकी खाना हो सकता है उधर हमारे एक दोस्त है वो खिला दे सस्ते ज बच गए हो जुमा नमाज के लिए रुके हैं, जुमा तो है नहीं यहाँ पे, थोड़ी सी मस्जिद है, सफ़र में है तो अपनी नमाज़ पढ़ी है तो लेकिन ये होटल बंद है, चाय वगैरह पी लेंगे लेकिन ये होटल बंद है तो आगे फिर हम रुकेंगे चाय के लिए। तो ये पठान होटल जो टर्न आता है वहाँ से राइट लेफ्ट साइड पे जो मुल्तान की तरफ रास्ता जाता है बिल्कुल टर्न होने के बाद ये अपना हक बाबू मस्जिद यहाँ से फिश का प्रोग्राम बन गया तो काशिफ भाई ने कहा कि बजाय वहाँ खाना देने के तो यहाँ दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा और मुल्तान यहाँ से तकरीबन मुल्तान यहाँ से कितना होगा सर 30 किलोमीटर होगा 36 नहीं ज़्यादा है लेकिन हमने तो जो सोसाइटी में जाना है वो थोड़ा सा नज़दीक है आ गया नज़दीक है स्टार्ट में तो ये देखते हैं कि मछली है किस तरह। अब हमारे साथ फिर वही बंदे हैं जिनको आपने अक्सर विलाग में देखा होगा फिश बड़े देर से खाते हैं, आज वैसे है जल्दी है, हमें देखते हैं वो कितना टाइम लगाते हैं। घंटा डेढ़ लग जाएगा। आज है दिन वैसे वैसे तो रात होती है, आज दिन है आपके लिए रोशनी का मसला नहीं है धूप के ऊपर नहीं तो हम पैक करके ना साथ ले जाएंगे ये फिर रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता कांटे निकाल के खाते रहेंगे। ऊंदी सूखी था बजाना कितना बड़ा है खाना लगा पे हो सकता
मैंने आपको कहा था ना, ये देखे तमाश भाई अभी भी बैठे हैं सब बंदे, उनको सब बंदों ने खा लिया और उनको तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पहले कौन देगा की लड़ाई शुरू है। अपना कमर रखा था नहीं है पुत्र, वो है सही है। मैंने कहा था पता कोई खेल में कैसे मेरे घुटने फेल किए मैंने, मतलब घुटने का छोटी का खेल। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी पी ली, दूसरी भी खा ली। इतने कितने 2 10 12 थे मैंने, दो टोटल यहां से गए वापस नहीं आए, चार बच्चे के भी खाए। प्लेट साफ है दोनों, हां है एक नहीं दोनों, ये होना चाहता है अजीब मरे ना मैं बच्चे छोटे ना है दो मन लोड़ी को नहीं। सरदार साहब है उम्र कहते हैं जो मैं उन्हें हाथ से बिल्कुल पहले हाँ
हम लेने गए थे एक छोटे से मेहमान को, मैं आपको उनसे तारुफ करवा दूँ। मोहम्मद महद ये मोहम्मद महद साहब काशिफ भाई के बेटे हैं और इनका नाम भी महद है, मेरे बेटे का नाम भी महद है, लेकिन ये उनसे कोई 6-7 माह शायद 8 माह छोटा होगा। इधर है ना, आप कौन सी क्लास में है? 3। बहुत तेज हवा है, धुंध भी गिर रही है। पहले चारपाई हुए बैठे थे, आप सर्दी की वजह से अंदर आ गए हैं हाल में। दरिया खान ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, ट्रैफिक की लंबी लाइन है और क्रशिंग सीजन है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम है। और ट्रैफिक जैम बल्कि शायद ट्रालियों की वजह से नहीं बल्कि लोगों की गलत तरतीब और जल्दबाजी की वजह से है। और यहाँ से जो वन वे बना हुआ था तो लोग गाड़ियाँ घुसाते रहे एक दूसरे के बीच में, तो वो ट्रैफिक स्टक हो गई। अभी वो पंजाब पुलिस आई है और वो गाड़ियों की तरतीब फ़िलहाल बना रही है। कहाँ पे पहुंचे हैं हम लोग? हम डेरा इस्माइल। हाँ, डेरा इस्माइल खान तमाश भाई को घर छोड़ने, न्यू बनू चुंगी, उन दोनों को हमने छोड़ दिया है। अब हम तकरीबन 11 बज गए हैं, हमें तकरीबन 2.5 घंटे हमें सिर्फ दरिया खान पुल पर लगे हैं 12:45। हाँ, तो गन्ने की ट्रालियों की वजह से और ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत थके हुए हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।